Hello children, so today we are going to write A, B, C and D in cursive. ठीक है, हम cursive A, B, C, D लिखेंगे और फोर लाइन में उसे कैसे लिखते हैं देखेंगे. बट बिफोर दैट विल रिवाइज द साउंड. वॉट इज द साउंड ऑफ A? A. साउंड ऑफ A? A. साउंड ऑफ B? B. साउंड ऑफ B? B. साउंड ऑफ C? K. Sound of C, K. Sound of D, D. Sound of D, D. So, sound के साथ revise करें एक बार. Finger रखेंगे सब लोग, ठीक है? A, B, K, D. Okay? So you have to read like this. ठीक है? आपको cursive में लिखा है, लेकिन इसको कैसे read करोगे? A, B, K. D, okay? Now, A हम कैसे लिखना है कर्सिव में देखें, okay? बिल्कुल उसी के नीचे नीचे आना चाहिए, ठीक है? We have to take the stroke up. जैसे हमने कर्सिव C का स्ट्रोक बनाया था ना, C बार बार लिखा था, वैसे ही हमें पहले कर्सिव C का स्ट्रोक बनाना है, ठीक है? फर्स्ट वाला. टेक द स्ट्रोक अप फ्रॉम द थर्ड लाइन. हमेशा कौन सी लाइन से स्टार्ट करेंगे कर्सिव लिखना? तीसरे लाइन से, ठीक है? सो फ्रॉम थर्ड लाइन विल टेक द स्ट्रोक. आप हम सी बनाएंगे ऐसे, ठीक है? कहां से? हमने टू को टच करके नीचे लेके आए थ्री वाली लाइन पे, दैट इज थर्ड लाइन. एंड सी बनने के बाद हम ये सी को बंद कर देंगे. क्या कर देंगे? बंद कर देंगे और यहां से एक पूंछ निकालेंगे. पूंछ यानी टेल. ओके, सो फ्रॉम हियर यू हैव टू कर्ल इट. फ्रॉम हियर You have to take the stroke from third line to second line. कहां से लेके गए? Third line से हम second line पे लेके गए. C बनाया, C को बंद कर दिया और एक tail दे दी. Okay? So ये क्या बन गया? Cursive A. So फिर से हम लोग करेंगे. From the third line, you have to take the stroke up to the second line. Right? C. ओके, सी लिखने के बाद सी को बंद किया एंड नीचे आए एंड देन वी हैव कर्ल्ड इट फ्रॉम हियर. हमने इसको घुमा दिया यहां से, ठीक है? पूछ दे दी, ठीक है? सो अगेन विल राइट फ्रॉम द थर्ड लाइन विल टेक द स्ट्रोक अप टू द सेकेंड लाइन, है ना? सेकेंड लाइन तक लेके गए. पेंसिल बिल्कुल नहीं उठाना, क्योंकि जब भी कर्सिव लिखते हैं हम पेंसिल नहीं उठाते, है ना? कंटिन्यूसली आपको चलाना है. आपको ये कंप्लीट करने के बाद ही अपना पेंसिल उठाना है, ठीक है? जैसे मैम ने कंप्लीट करने के बाद ही उठाया ना, तो उसी तरह आपको पहले स्ट्रोक लेके ऊपर जाना है, सी बना के देन आपको यहाँ पर एक टेल कर्व देना है, ठीक है? यस, समझ में आया? सेम वे आपने अब एक बना, ए बना दिया, सी भी वैसे ही. सी तो सबको बनाना था, लेकिन हम बी देखेंगे. बी कैसे? बी का बेस क्या है? बी का बेस है एल कर्व, ठीक है? एल कर्व बनाया था सबने. यस, तो एल कर्व के लिए आपने क्या किया था? यहां तक लेके आए थे लास्ट में, लेकिन अब इसको हम कहां लेके जाएंगे? सेकेंड लाइन में. कहां टच करेंगे? सेकेंड लाइन, लाइन नंबर टू पे, ये ब्लू वाली लाइन में टच करेंगे और यहां से बोट बना देंगे. बोट कर्व, ऐसा ऐसा कर्व बना देंगे, ठीक है? दैट इज बोट कर्व. और उसको यहाँ पर सर्कुलर लूप नहीं बनाना, सर्कल नहीं बनाना है, बिल्कुल बी बना के बस ऐसी बोट कर्व बनाना है, ठीक है? देखिए कैसे बनाना है. सो फ्रॉम थर्ड लाइन यू हैव टू टेक द स्ट्रोक अप टू द फर्स्ट लाइन. फ्रॉम थर्ड लाइन टेक द स्ट्रोक अप टू द फर्स्ट line, touch the first line, come down, then again touch the third line. Third line से हम कहाँ गए? Second line. फिर यहां से हमने एक boat curve बना दिया, ठीक है? समझ में आया आपको? फिर से करें, ठीक है? From the third line you have to take the stroke up. ऊपर गया आपने, first line को छुआ, नीचे आया आपने, थर्ड लाइन को छुआ, ऊपर गया,
सेकेंड लाइन को छुआ और बोट बना दिया। ठीक है, समझ में आया? सर्कुलर लूप कोई नहीं बनाएगा, बोट बनाएगा। ठीक है, ओके। फिर फ्रॉम द थर्ड लाइन यू हैव टू टेक द स्ट्रोक टू द फर्स्ट लाइन। फिर से करें, थर्ड लाइन से हम फर्स्ट लाइन पे गए, घुमा के नीचे लेके आए, थर्ड लाइन को हमने टच किया, फिर हम सेकेंड लाइन पे आए और हमने बोट कर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट कर्सिव लेटर बी। ए लिख लिया हमने, बी लिख लिया, अब किसकी बारी? सी की बारी। बी के बाद क्या आता है? सी। तो सी कर्व में सबने सी कर्व तो लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस पहले ए की बार सी लिखना है। ठीक है, कैसे? आपको कहां से कहां लिखना है? लाइन नंबर थर्ड से सेकेंड लाइन तक। ठीक है, थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक। देखिए कैसे, फ्रॉम द थर्ड लाइन यू हैव टू टेक द स्ट्रोक अप। यहां से आप ऊपर गए, आपने सेकेंड लाइन टच किया, यहां से थोड़ा सा घुमाया, ऊपर लेके गए और फिर ये सी कट से सी। सेम वे हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे यहां से। ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे आना चाहिए। ओके, तो बहुत सुंदर दिखता है, इधर उधर लिखते हैं तो गंदा दिखता है। ठीक है, सो फ्रॉम द थर्ड लाइन यू हैव टू टेक द स्ट्रोक अप, टच द सेकंड लाइन, कम डाउन, टच द थर्ड लाइन एंड कर्ल इट फ्रॉम हियर। ओके, सेम वे फ्रॉम द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन गो अप, टच द सेकेंड लाइन एंड देन कम डाउन, टच द थर्ड लाइन। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव मेड कर्सिव सी। ठीक है, कर्सिव सी किसके अंदर आ रहा है? सेकेंड और थर्ड के अंदर। बाहर निकाला मैम ने? नहीं, तो आप भी इसको बाहर नहीं निकालेंगे। सेम वे ए भी इन दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों को सेकेंड और थर्ड लाइन से बाहर नहीं निकालेंगे। अब हम कौन सा करेंगे? डी। सी के बाद क्या आता है? डी। डी का साउंड ड। ठीक है, तो हम ड लिखेंगे। ओके, जस्ट बिलो फ्रॉम हियर यू हैव टू मेक इट, फ्रॉम थर्ड लाइन यू हैव टू स्टार्ट। कहां से? थर्ड लाइन से ऊपर जाएंगे, विल टच सेकेंड लाइन, देन कम डाउन, टेक द लाइन अप। लाइन जाएगा ऊपर, कहां टच करेगा? फर्स्ट लाइन। फिर वही उसी लाइन से नीचे आएगा और एक कर्ल बना देगा। ठीक है, शॉर्टकट नहीं अपनाना कि ए बना दी और ऊपर से डंडी बना दी, नहीं। ठीक है, वो नहीं करना है आपको। कैसे करना है आपको? थर्ड लाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, थर्ड लाइन से स्टार्ट करके आप ऊपर लेके गए, आपने सेकेंड लाइन में एक सी बनाया। क्या बनाया? सी बनाया, सी को बंद किया और वहां से सीधे ऊपर गए। आप सीधे ऊपर जाके आपने फर्स्ट लाइन को छुआ, नीचे आया और आपने यहां से एक टेल बना दिया। ओके, यहां से आपने एक टेल बना दिया, टेल थोड़ा सा कर्ल कर दिया। ठीक है, यस। अगेन फ्रॉम द थर्ड लाइन टच द सेकेंड लाइन, राइट सी, सी को बनाया, सी को बंद कर दिया, सीधे ले गए लाइन, टच किया कौन सा? फर्स्ट लाइन। उसी लाइन से नीचे आए, थर्ड लाइन टच किया और यहां से कर्ल कर दिया। ठीक है, तो समझ में आया? आपने ए बी सी डी यानी कि अ ब क ड कैसे लिखा है ना कर्सिव में? तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश कॉपी। आपको इसका वीडियो भी बनाना है क्योंकि मैम आपकी कर्सिव राइटिंग का मूवमेंट्स देखेगी। ठीक है, और फोटो भी भेजना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।